बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसलमानों के लिए मस्जिद एक मरकज़ है, मुआशरे की तश्कील में, दीनी तालीमात के फ़रोग में इसका बहुत ही अहम किरदार है। और मस्जिद हराम वो तो तमाम अहले ईमान के दिलों में बसती है। उसके बाद जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर करदा मस्जिद नबवी, वो पूरे आलम इस्लाम में सदियों से एक मॉडल है और उसकी पैरवी में मुसलमानों के मुआशरे का मस्जिद के बगैर बस्ती का कोई तस्वीर नहीं है। इसकी अहमियत पर आज के सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा साहब, ये रिफा यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, और इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साजिद साहब, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करते हैं। तो नाज़रीन कराम, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मस्जिद जो है और उसके मीनार, उससे बुलंद होने वाली अजान और उसका एक इज्तमाई किरदार हमारे माशरे में, मुसलमानों के लिए उम्मीद भी है, पनाह भी है, मरकज़ भी है। तो हम ये चाहेंगे कि इसकी अहमियत पर अपने मेहमानों से रहनुमाई हासिल करें। तो डॉक्टर साहब, आप इस बारे में कुछ गुफ्तगू फरमाएं कि एक मुसलमान माशरे में मस्जिद का क्या किरदार है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो स्पेशल टीवी के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि इस अहम मौजू पर इजहार ख्याल का भी मौका मिला। मस्जिद बुनियादी तौर पर इस्लामी तहजीब की एक अलामती इजहार है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम मुआशरत हो, मुस्लिम मुआशरा हो, जहाँ पर मुसलमानों के चंद घराने बसते हों और वो मुआशरा मस्जिद से खाली हो, तो ये इसका इम्कान नहीं है। दूर दराज इलाकों में भी हम ये देखते हैं कि जहाँ पर चंद घर मुसलमानों के बसते हैं, वहाँ पर मस्जिद का होना एक नागुज़ीर ज़रूरत भी होती है और एक अलामती इजहार के तौर पर वहाँ मौजूद भी होती है। तो मुस्लिम तहजीब और मुस्लिम मुआशरत जो है वो मस्जिद के वजूद के बगैर नामुमकिन है, और इसका यानी इस पहलू से नागुज़ीर होना हमें समझ आता है कि मुसलमानों के जो शियार हैं, उनमें जो इबादात का पूरा निज़ाम है, वो मस्जिद से जुड़ा हुआ है। सरदस्त तो मस्जिद, जैसे कुरान मजीद में हमें मिलता है कि अल्लाह के घर हैं और ये वो जगह हैं जहाँ पे अल्लाह को याद किया जाता है, और लिहाजा मस्जिद और मुसलमान और इबादत ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। नमाज के जो पांचों औकात हैं, उसमें मुसलमानों को ये तरगीब और तलकीन की गई है कि वो बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करें और मस्जिद की आबादी में इजाफा करें और मस्जिद की रौनक में इजाफा करें। ये मुसलमानों की एक अमूमी एक तलकीन और अमूमी मिजाज बन जाता है। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि वो लोग जो मस्जिद की आबादकारी में और मस्जिद के साथ ताल्लुक में अपने आप को यानी एक आगे बढ़कर पेश करते हैं, वो मुआशरे के अंदर भी, अपनी उस सोसाइटी के अंदर भी नुमाया लोग होते हैं, और उनका जो वक़ार है, उनकी जो एक शान होती है उस मुआशरे के अंदर, वो एक अलग होती है और मुमताज़ लोग होते हैं। उनके बारे में लोग गवाही देते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो मस्जिद से ताल्लुक़ होता है। माशाल्लाह। तो हम ये देखते हैं कि मस्जिद से जो ताल्लुक़ वाले लोग हैं, जो इबादत से जुड़े हुए लोग हैं, जो नमाज को अपने औकात में अदा करने वाले लोग हैं, वो हमारे मुआशरे के अंदर मुमताज़ लोग होते हैं, और उन लोगों के यहाँ भी मुमताज़ होते हैं जो मस्जिद में नहीं जाते या इवन गैर मुस्लिम भी होते यानी हैं। उनकी एक मुआशरती हैसियत, क्रेडिबिलिटी और साख होती है। जी, मेरा ख्याल है डॉक्टर इमरान साहब, ये जो आपने फरमाया है इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान साहब, आप ज़रा मस्जिद की तारीख के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये मस्जिद कब से मुतारफ़ हुई, बनना शुरू हुई और इसके क्या अदवार हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। असल में ये जो मस्जिद है, यूं समझ लीजिए कि एक मरकज़ है जो इस दुनिया में बनने से पहले जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड, एक जिसको हम कहते हैं कि माबाद उत्तबियाती जगह है, वहाँ पर भी आप यूँ समझ लीजिए कि इसका एक अक्स मौजूद है।
और वो यकीनन बैते मामूर है, जो माशाल्लाह फरिश्तों की और जो रूहें हैं उनकी वो इबादत गाह है, जी उनका वो मताफ है, उनके तवाफ करने की जगह है। चुनाचे माशाल्लाह जब अल्लाह ताला की जात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को इस दुनिया में भेजा और अलग अलग भेजा, तो वो एक ऐसी जगह तलाश किया करते थे जी जहां पर वो क्याम कर सकें, जहां पर वो तस्कीन हासिल कर सकें। जी और वो तस्कीन जो है वो जाहिरी भी है और वो बातनी भी है। जी चुनाचे जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई और ये मक्का मुकरमा की जगह थी, तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले बैतुल्लाह को, जिसको हम खाने काबा के नाम से जानते हैं, उसको तामीर किया। गोया और के इंसानी जिंदगी की जो इज्तमाई शक्ल है जी उसके साथ ही मस्जिद आ जी जाती बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ मुंसलिक है। और इस तामीर के तकरीबन 40 साल बाद, जी ये बात हमें किताबों में मिलती है, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने ही मस्जिद अक्सा, बैतुल मकदस या बैतुल अच्छा, मुकद्दस जिसको कहते हैं, उसकी तामीर की। और ये एक दूसरी जगह है। ये एक बिल्कुल दूसरी जगह है। और ये जो हम मेराज का जिक्र करते हैं या इसरा का जिक्र करते हैं, तो ये वही मस्जिद अक्सा है जहां पर आप अपनी उस बेदारी की कैफियत में तशरीफ ले नहीं गए तो थे। इससे तो मस्जिद के किरदार की अफाकियत का पता चल रहा है जी कि जो बिल्कुल हरम बना है वो सऊदी अरब में है, जी मस्जिद अक्सा बनी है फलस्तीन में। जी जी प्लीज और इनमें बहुत फासला है। जी और आप ये समझ लीजिए कि मक्का मुकर्रमा में एक मस्जिद का होना जी और फिर इससे दूर दराज किसी और मुल्क में, किसी और जगह पर, किसी और जी जमीन पर किसी और मस्जिद का होना, तो ये एक ऐसी फितरी जरूरत है जो जी शुरू से ही इंसान की एक जो फितरत है उसके तहत दाखिल कर दी गई है। चुनाचे ये हमने सुना है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, तो इन्होंने खाने काबा की नए सिरे से तामीर जी की। और ये जी आयात कुरान मजीद के अंदर सूरह इब्राहिम उसके अंदर भी मौजूद है। चुनाचे वो जो एक बैतुल्ला का नए सिरे से बनना, उसका नए सिरे से बनाना, ये भी इस बात पर दलालत करता है कि जो जो आबादी बढ़ती गई जी और उस मस्जिद को जहां पर तस्कीन हासिल की जाती है जी दोबारा से बनाया गया, तो ये नतीजतन वो बात है जो वाकयतन एक मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। जी तो मेरा ख्याल है कि आपने ये जो तारीख ब्रीफली बयान की है तो इसकी तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो दुनिया में नुमाया मजाहब है यहूदियत ईसाइत इस्लाम जिनको सेमेटिक ये सामी अधियान कहते हैं इन सब के यहाँ ये तारीख कॉमन है। यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का पैगंबर होना, उनके जरिए हरमे काबा की तामीर, फिर उसके बाद कई सदियां इन्वॉल्व हैं, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं ये वो पैगंबर हैं कि यहूदी ईसाई और हम मुसलमान अपनी बात की सनद के तौर पर इनका जिक्र करते हैं और उन्होंने काबा को तामीर किया है। अगर इसी तनाजर में डॉक्टर साहब आप हमें रहनुमाई दें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर और इसकी अहमियत के लिहाज से कोई इकदाम किए हैं जिसमें हरम है या मस्जिद नबवी है तो वो क्या है? इस पे बुरा तौर पर हम देखते हैं कि इंसान की तख्लीक में ये उनसर शामिल है कि वो किसी बड़े की पूजा करे, परस्तिश करे, जी और ये उसके अंदर एक वदियत किया गया है कि उसने परस्तिश, पूजा या इबादत करनी है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि दुनिया के तमाम मजाहब के तमाम अदियान के अंदर ये बात पाई जाती है कि वो परस्तिश के ख्वाहां होते हैं, परस्तिश करते हैं, और उनके अलग अलग माबद खाने बनाए गए, जिसको चर्च है या सिनागॉग है या टेम्पल है जी और मुसलमानों की मस्जिद है, तो ये मुख्तलिफ उनके मराकज़ हैं, अबूदियत के मराकज़ हैं या इबादत खाने हैं या माबद खाने हैं बनाए जी गए। और लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं और खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने जब मस्जिद नबवी अलैहि आए मदीना मुनव्वरा हिजरत की, तो मस्जिद कुबा की भी तामीर की गई, वसल्लम मस्जिद नबवी की भी तामीर की गई। तो मालूम ही होता है कि हिजरत के बाद जो पहला कदम उठाया, यानी पहली तामीर की गई, मस्जिद की ही तामीर की गई, माशाल्लाह तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि हिजरत का वक्त हो और दीगर कई बेशुमार मसाइल और भी उस वक़्त थे जी जिनको हल करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जी चीज़ को मुकद्दम समझा और जिस चीज़ की बुनियाद रखी, मस्जिद ही थी, और मस्जिद से जुड़कर
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की तश्कील की। यानी हम ये समझते हैं कि मस्जिद एक ऐसा न्यूक्लियस है, यानी ऐसा एक सेंट्रल पॉइंट है, ऐसा मरकज़ है कि जिससे पूरी मुआशरत फूटती है। अगर मुस्लिम तहजीब या मुस्लिम मुआशरत की ये जी खूबी या निशानी है कि उसकी मुआशरत के तमाम जो यानी बीज है वो मस्जिद से ही है, सुभान अल्लाह, और उस मस्जिद के बीज से जो दरख्त नमूदार होगा, ये दरख्त सायादार या फलदार दरख्त होगा, उसे ही हम मुआशरा कहेंगे। अगर उस बीज की जगह तब्दील कर दी जाए, यानी मिसाल के तौर पर अगर उस बीज की जगह हम बाजार को दे दें, करार दे बहुत दें, आम नुकता, या बिल्कुल सही, मार्केट को करार दे दें, तो उससे मुआशरत जो तश्कील पाएगी वो सार्फियत का एक मुआशरा, कंज्यूमर सोसाइटी तश्कील पाएगी, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ मुआशरत बिल्कुल होगी, सही, जो कि जिसको हम इस्लामी तहजीब या मुस्लिम मुआशरत के तौर पर नहीं जान सकते। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या बाद में सहाबा इकराम की ज़िंदगी या बाद में उम्मत की पूरी तारीख इस बात की शाहिद है कि मस्जिद जो है उसके साथ एक ख़ास तरह का ताल्लुक़ और उसकी तामीर और उसको मरकज़ बना के मुआशरत की तामीर करना, ये एक नागुज़ीर ज़रूरत के तौर पर जैसा कि जानना गया और देखिए ना समझा जी, गया। कुरान मजीद कह रहे हैं ना, कलिमतन तय्यिबतन कशजरतन जी तय्यिबतन। आपने बड़ी उम्दा मिसाल दी है कि इसका बीज मुआशरे का, ये बोए ही मस्जिद के जरिए जाता है, जी यानी ये वो बर्तन है मस्जिद। अगर वहाँ से जिंदगी के तमाम शोबे खुराक हासिल कर रहे हैं, वहाँ जी से फूट रहे हैं, तो और तरह का मुआशरा होगा, जी और अगर बाजार या कोई और जगह है तो और तरह का होगा। इससे हमारे सामने ये बात आई कि मस्जिद को हमारे मुआशरे की तरबियत में, तश्कील में, इसके इंतजामों इंसराम में बहुत अहमियत हासिल है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने मदीना जाते ही ये किया, तो आप अब्दुलरहमान साहब जरा इस पे कुछ रोशनी डालें कि जो मस्जिद नबवी तामीर हुई उसने मुआशरे में क्या किरदार अदा किया और किन किन शोबों में वो रहनुमा थी। जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करता चलूं और उसके बाद ये बताता चलूं कि आप सल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए थे तो इबादत किया करते थे, जी यानी अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, लेकिन जहां पर उन्होंने क्याम किया वहां पर इबादत किया करते थे, जी और वो मुख्तलिफ घर थे। और उसके बाद जब मस्जिद कुबा और फिर मस्जिद नबवी बनी, तो ये एक ऐसा मरकज था जिसको हम अगर नहीं समझ सकते तो उसके लिए ये मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि जिसको हम कहते हैं कि कॉमन रूम है। जी स्कूल में बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं, तो उनका एक कॉमन रूम होता है, बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। तो ये कॉमन रूम था जिसने उस सोसाइटी की जो जड़ें हैं उनको मजबूत किया। और यहाँ पर सिर्फ ये मस्जिद एक इबादत खाना ही नहीं है, जिस तरह जो सबका अध्ययन थे उसमें हुआ करता था, वो इसकी तज़यीन और आराइश में भी और खूबसूरती में भी बहुत ज़्यादा मुबालगा किया करते थे। जी लेकिन उनके यहाँ सिर्फ ये एक माबद यानी जी इबादत खाना था। मुसलमानों के यहाँ ये सिर्फ इबादत खाना नहीं रहा, बल्कि ये इंतजाम की भी जगह रही है, और इसके अंदर मुख्तलिफ इंतजाम मौजूद हैं। मसलन सियासी इंतजाम, जी कि अगर सियासत को दीन से अलग कर दें तो वो दीन रहता ही नहीं है। फिर जज़ाकल्लाह माली मामलात, फिर समाजी मामलात, मुआशी मामलात, ये सारे मामलात और इंतजाम ऐसे थे जो मस्जिद से ही जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही तो इस लिहाज से जो एक सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन है, उसकी तश्कील है, उसमें मस्जिद एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा उनसर या ऐसा नुक्ता है जो सब चीजों को अपनी तरफ खींचे हुए। यानी आपने हमें ये बताया कि मस्जिद जो है एक फ़ाल इदारा है, जी और अगर हम इस बात को जदीद सियासी इस्तलाहात और इदारों के तौर पर लें, तो क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे और इसमें कोई रहनुमाई देंगे कि तीन चार जो इदारे हैं किसी स्टेट के, मुकन्ना है, जी अदलिया है जी और इंतज़ामिया है, और फिर समाजी तश्कील जैसा हजर मान साहब है, बिल्कुल तो आप तो माशाल्लाह सियासियात की तदरीस भी जी करते रहे हैं, तो आप माशा इस एतबार से जैसे इन्होंने कहा कि मस्जिद का एक सियासी किरदार भी है, तो आप इस पे क्या फरमाएंगे? जी, बजा तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सलाम हमें इस हवाले से बेहतरीन एक नमूना भी पेश करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे वो इंतज़ामी उमूर थे, चाहे वो सियासी उमूर थे, चाहे वो मुकन्ना के उमूर थे,
या वो जिहाद के मुतल्लिक लश्कर को तश्कील देना जी था, या दावत व तबलीग के लिए वफद को रवाना करना था, या खतूत लिखे जाने थे, तो ये तमाम सरगर्मियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जी नबी में ही अदा की, और वहीं पे ही एक मजलिस कायम होती और वहीं पे लोग बैठ के गुफ्तगू भी करते, मुशावरत भी होती। और यहाँ तक भी है कि जो दीगर यानी गैर मुस्लिम के वफद आते तो वो मुलाकातें भी वहीं पे करते, बहुत अच्छा। और इसका यानी ये मतलब एक तरह से फॉरेन अफेयर्स भी फॉरेन थे। अफेयर्स का जो एक शोबा है वो भी वहीं पे सर अंजाम देता। और इसमें मालूम ही होता है कि इसको इन डेप्थ देखा जाए तो मालूम ही होता है कि ये चूँकि दीन जो है वो तज़किये और तत्हीर के पहलू से जी गुफ्तगू करता है, और यही मतलूब और मकसद भी है उसका दीन का, तो मस्जिद के साथ जब ये तमाम उमूर वाबस्ता हो जाएंगे, चाहे सियासी हैं, मुआशी हैं, या मुकदना या इंतजामिया उमूर हैं, तो इनके साथ एक तत्हीर का पहलू भी आ जाएगा। यानी वो चूंकि सारे इंतजाम तो करने अफराद नहीं है, जी तो अगर अफराद मस्जिद में बैठ के ये उमूर सर अंजाम दे रहे होंगे तो उनके कल्बो जहन पे जो तत्हीर और तज़किये का जो पहलू है वो नुमाया होगा, और जो शैतान के हरबे कुछ हो सकते हैं या इंसानी नफ्स का जो हमला हो सकता है वो कम से कम वहाँ पे होगा, यानी ये एक पनाहगाह भी है। एक पनाहगाह भी है। ठीक, तो हम बहुत ये अच्छा। देखते हैं कि इस एतबार से देखा जाए तो दुनिया के दीगर जो माबद खाने हैं वहाँ पे सफाई सुथराई तो बहुत होगी, जी लेकिन तहारत और तत्हीर का निज़ाम वो सुभान सिर्फ अल्लाह। हम मस्जिद से ही व्यवस्था पाते हैं। और यही एक वो जगह है कि जहाँ पे हमें मुकम्मल ये चीज़ भी दर्स मिलता है कि जो लोग वहाँ पे दाखिल होता है और एक अमन की जगह पे आता है, उसका जहन, जी उसका कल्ब जो है वो सारा एक यकसू होता है, इंतशार से बचता है। तो यकसू जहन जब मुआशरे की तश्कील के जो मुख्तलिफ मराहल में जब आगे बढ़कर काम करेगा तो वो मुआशरा भी एक यकसुई और एक अमन का प्रचार करेगा। यानी मुआशरा बनता जी है ना जी फर्द से। तो आपने ये निशानदेही की कि फर्द के अंदर तज़किया और उसकी तरबियत जी और उसकी शख्सियत साजी में मस्जिद का एक किरदार है। यहाँ मैं आप ही से ये जानना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं सियासी रोल मस्जिद का है, आपने भी इशारा जी किया उसमें, एक बात तो आपने बड़ी जिमनी तौर पर कही, मैं चाहता हूँ उस पर ज़रा बात करें कि कबाइल के लोग और मुज़ाकरात करने वाले, मुआहदात करने वाले, क्या वो भी मस्जिद नबी में आते थे? और हुज़ूर की हैसियत क्या सिर्फ नमाज में इमामत की थी या कुछ और भी थी? नहीं, यकीनन जो लोग तो मुसलमान थे उस मुआशरे के मुस्लिम, उनके लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत पैगंबर की थी, अल्लाह के रसूल की हैसियत से थी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही एक रहनुमा भी मानते थे और अल्लाह के पैगंबर भी मानते थे, जी और यही ज़ाहिर है कि मानना उन पर लाजम और फ़र्ज़ भी था। लेकिन जो बाकी लोग थे, ज़ाहिर है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते थे, जी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लीडर के तौर पर समझते थे, एक इंतज़ाम मुंतजिम के तौर पर समझते थे, एक रिफॉर्मर के तौर पर समझते थे, जी जिसको मुस्तशरकीन ने मुख्तलिफ आज की अगर हम देखें सीरत निगारी में तो मुख्तलिफ अलकाबात से भी यानी जी पेश किया है। तो जाहिर है कि वो लोग तो इस तरह नहीं समझते थे, वो तो लोग ये समझते थे कि आप जो हैं एक यानी एक कबायली मुआशरे के अंदर जहाँ पे इंतशार भी है, लड़ाई और झगड़े भी हैं, तो ये वो शख्सियत हैं कि जिनके गिर्द हम इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जाहिर है कि ये सारे लोग आते थे मस्जिद नबी में आते थे, और वहीं पे बैठ के मुजाकरात भी होते थे, मुआहदात भी होते थे। और तो इससे डॉक्टर साहब ये गुंजाइश पैदा होती है कि मस्जिद नबी लोगों के आने जाने पे कोई खामखा की रुकावटें खड़ी नहीं करती थी, लेकिन वो एक कुशादा और सबके लिए काबिल कबूल अपॉर्चुनिटी फराहम करती थी। और जैसा कि आपने इस बात को नुमाया किया कि हजूर सल्लम अगर बहसियत नबी उन्हें कोई तस्लीम नहीं भी कर रहा था, बहसियत सरबरा और लीडर उन्हें तस्लीम किया जी जा रहा था, तो इसमें ये सबक और गुंजाइश मौजूद है कि मस्जिद में हर तरह के लोग आ सकते हैं। मस्जिद में यानी अगर हम मस्जिद नबी की बात करें या बैतुल्लाह की बात करें तो वहाँ पे तो ये सवाल अभी मौजूद है, जी यानी कि क्या वहाँ पे मुशरकीन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, गैर जी मुस्लिम आ सकते हैं नहीं आ सकते, जी उस पे बहस मौजूद है। जो जो हमारे जदीद स्कॉलर्स हैं उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक तो ये बात है कि वो आ सकते हैं लेकिन सुकूनत इख्तियार नहीं कर जी सकते उन जगहों पर, लेकिन मकदमीन के यहाँ तो ये है कि सुकूनत भी इख्तियार नहीं कर सकते और ना ही आ सकते हैं। लेकिन दीगर मसाजिद का रोल ऐसा नहीं है, ठीक दीगर मसाजिद के अंदर आ सकते हैं, और हम ये देखते हैं जो कि हमने यानी मलाशिया या टर्की या दीगर ममालिक का विजिट भी किया, अभी हाल ही में जापान से
मुख्तलिफ मसाजिद का भी देखा। नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो चंद लम्हों बाद इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब से ही कहेंगे कि यहीं से अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज करें, वक्फा है। अल खिदमत मंसूरा टीचिंग अस्पताल लाहौर, जहां सिर्फ 50 रुपए की अलामती फीस पर तिबी सहूलियात दी जाती हैं। अपनी ज़कात अतियात अल खिदमत मंसूरा टीचिंग अस्पताल को दीजिए। अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ, आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। ऐ खुदा, मेरे घर का चूल्हा जलाने वालों के चूल्हे को कभी ठंडा ना होने दीजिएगा। ऐ मेरे मौला, मेरे लिए रिस्क का रास्ता खोलने वालों के रास्ते में कभी कोई रुकावट ना आए। ऐ मुझे जिंदगी देने वाले, मेरे चारागर को कभी लाचार न करना। जो लोग इन फसलों की सैराबी में मददगार बने, तू उनका मददगार बन जा या रब। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम बच्चों की कफालत समेत लाखों जरूरतमंदों की जिंदगियों में आसानी ला रहा है। आप भी जकात व अतियात देकर शामिल हो जाएं लाखों दुआओं में। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول हाय।
सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, दुखी इंसानियत की खिदमत, आपके तआवुन से आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की, दुख दर्द में आपके साथ। नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद दोबारा खुश आमदेद। मैं डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा साहब ही से ये गुजारिश करूंगा कि एक तो इन्होंने ये रानमाई दी है कि ख्वातीन बहुत अहम हैं और न सिर्फ उनके लिए इबादत का मौका मसाजिद में होना चाहिए, इसके साथ साथ ऐद नबी से लेकर अब तक हमारी एक खूबसूरत रवायत है कि अपनी इज़्ज़त माब ख्वातीन के लिए तालीम और तरबियत के मौके मस्जिद में पैदा किए जाएँ और इस एतबार से जहाँ जहाँ कमी है रियासत करे या जो मुआशरती सतह पर लोग हैं इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरह डॉक्टर साहब, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम बिलअमूम बड़ा माजरत खाना रवैया इख्तियार करते रहते हैं कि हमने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। अगर आप पिछले 10-20 सालों ही में देखें तो जिनको जालिम करार दिया जा रहा है मगरब की तरफ से या उनकी तरफदारी करने वालों की तरफ से, वो मजलूम है। यानी मसाजिद के अंदर कुछ ऐसी कुव्वतें हैं कि जो कोशिश करती हैं कि वहाँ के अमन को तहबाला किया जाए और इल्ज़ाम भी इन्हीं पर धर दिया जाए कि मसाजिद वाले ऐसे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, यकीनन ये मीडिया की इस दौर के अंदर और मगरबी प्रोपेगेंडा के हवाले से बड़ा एक अलमनाक पहलू है कि कहीं भी कोई वाकया ऐसा होता है, कोई कत्ल वारत का वाकया हो जाए, तो वो मगरबी मीडिया भी ये तलाश करने की कोशिश करता है कि इसके पीछे कोई मुसलमान ही होगा जी। और मुसलमान भी वो लेकर आते हैं जो किसी न किसी मस्जिद या मदरसे से एक दफ़ा गुजरा भी होगा तो वो निशानदेह कर देंगे। तो ये एक अलमनाक पहलू है और ये ज़ाहिर है कि दुरुस्त अकासी नहीं है। और सही बात तो यही है कि अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो यहाँ पे मस्जिद से मुतालिक जो लोग हैं, वो जैसे पहले भी जिक्र किया कि वो लोग होते हैं कि जो बहरहाल मुआशरे के अंदर एक नुमाया हैसियत रखते हैं और उनके उनके ईमान के हवाले से, उनके तकवा के हवाले से, उनकी ईमानदारी के हवाले से, अगर वो किसी कारोबार में मसरूफ़ हैं तो उस हवाले से भी लोग उन पर एतबार भी कर रहे होते हैं और उनकी एक पहचान भी होती है मुआशरे के अंदर और उससे वाबस्ता रखते हैं अपने आप को। तो ये तस्वीर पेश करना कि मस्जिद से मुतल्लिक जो हो जाएगा, ये मदरसे के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ें उठती हैं जो बदअमनी की या इंतशार की गुफ्तगू करती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। यानी अगर कहीं ऐसी आवाज़ आती है तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं वो मुतनब्बे करें, लेकिन बिलअमूम ऐसा नहीं है। बिलअमूम मुआशरे के अंदर मस्जिद का जो मुकाम है वो इस एतबार से बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा है कि उससे वाबस्ता हर फर्द जो है वो मुआशरे के अंदर बहरहाल एक अजमत वाला मुकाम रखता है और उसकी कदर होती है। और यानी आमतौर पर देखते हैं कि रिश्ता करना होगा कहीं पर तो लोग ये कहते हैं कि वो नमाजी है कि नहीं है, नमाज मस्जिद से मुतल्लिक है कि नहीं है, तो ये एक बड़ी अहम कदर है कि जिसके हवाले से ये देखा जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि मस्जिद से मुतालिक लोग और वहाँ पे जाने वाले लोग जो हैं वो एक पुरामन ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं और माशरे के अंदर अगर कहीं पे कोई झगड़ा या कोई मसाइल बनते हैं तो लोग उनको एक साले की हैसियत से, मुस्लिक की हैसियत से, सालिस की हैसियत से वो पेश कर लेकर आते हैं और उन पे एतबार किया जाता है कि जब ये लोग फैसला करेंगे तो इनके अंदर चूँकि अल्लाह की कुर्बत मौजूद है, अल्लाह से एक तकवा मौजूद है, तो ये फैसला जो करेंगे वो फैसला यानी एन इंसाफ के करीब करीब होगा। तो यानी इससे मालूम होता है कि अगर हम इसी माहौल को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी तरगीब दें, तलकीन करें और ये बताएं कि घर जैसे घर के नमाज से बेहतर है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, जिस 27 नमाजों का यानी अजर और सवाब ज़्यादा मिलता है, तो अपनी फजीलत के एतबार से भी अगर हम यानी मस्जिद को मुआशरे के साथ इस तरह जोड़ दें कि ये एक ऐसी जगह करार पा जाए कि जिससे लोग मुतल्लिक हो के
एक खैरख्वाह लोगों के दरमियान रहते हुए सादत का मरकज खुद है, रहमत अपनी का है, अपनी भी जो नशोनुमा वो करते रहे, तरबियत का तो है। अगर मैंने अपनी किसी नक्स को दूर करना है, कोई अखलाकी मसला है मेरा या कोई और मसला है जी मेरा, तरबियत का मसला है, तो मेरे लिए जो अव्वलिन दरसगाह होनी चाहिए और वो मस्जिद ही है। और ऐसे हमें हमारी अपनी तारीख के अंदर भी, बरसगीर पाक व हिंद के अंदर भी और वैसे भी उम्मत की तारीख के अंदर हम देखते हैं कि मस्जिद से मुतल्लिक हो के लोगों ने अपनी तरबियत भी की और लोगों ने फिर इस्लाह का काम भी किया और मस्जिद से जुड़ के वो पूरी दुनिया के अंदर भी एक इस्लाह का काम करने के लिए निकल खड़े वो हुए। है कि हमें ना मस्जिद के रोल को एक बड़े स्केल पर ले जाने की ज़रूरत है और इसमें जो मस्जिद के लोग हैं उनका किरदार मुआशरे में फ़ाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। अगर वो इसको बाकी मुआशरे के शोबाजात में आगे बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा रजू होगा। इसी की यानी एक आपकी स्टडी आपकी किताबों में पढ़ी थी कुछ साल पहले, अगर आपको याद हो, क्योंकि तसानीफ तो काफ़ी हैं और इतनी मेरी तसानीफ नहीं है, लेकिन आप वो गैलप के साथ आपने गैलप सर्वे के साथ मिलकर आपने एक स्टडी की जी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ना एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, रोल ऑफ मास्क इन पाकिस्तानी सोसाइटी, तो उसका एक क्वेश्चनर बना के मैंने एम्पिरिकल स्टडी कंडक्ट करवाई थी और इसमें मैंने बहुत ही वकी और ग्लोबल इमेज रखने वाले इदारे गैलप की खिदमात ली थी। 1000 सवालनामे थे और उसमें खास बात यह है कि वो एक साइंटिफिक चीज थी। 59 तो उसमें डिसबिलीवर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पांच छह बड़े शहरों से, पांच छह बड़े शहर था। उसमें बहुत खुशगवार नतीजे थे जी, कि काफ़र लोगों का भी ये कहना था कि हमने मुआशरे में मस्जिद से ताल्लुक रखने वालों को अच्छा पाया है जी। और उसमें साइंटिफिक फार्मूले लगा के हमने जो नतीजे मुरतब करवाए वो ये थे कि सच्चे जानबदार और पुरमन लोग और सोशल जस्टिस के लिए काम करने वाले लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो वो मस्जिद वाले ही लोग। मेरा ख्याल है आपने बड़ा अच्छा याद करवाया। हम चूंकि तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, वक्तन फक्तन मस्जिद को रिसर्च का मौजू बनाना चाहिए और उसको इस तरह लेके आना चाहिए कि वो जदीद जहन पे जिन टूल्स का रोब है उन टूल्स को भी अगर हम लगाएंगे तो मस्जिद हमारे लिए जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा अब्दुलरहमान साहब, मस्जिद के किरदार पर जो हम बात कर रहे हैं तो मैं एक दफा फिर चाहूंगा कि लगता यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीने में आते ही जो पहले इज्तमाई काम किए उनमें टॉप पे मस्जिद नबी की तामीर है, फिर हमने उसके किरदार पर भी बात की, तो फिर ये सिरा गुम कैसे हुआ? क्योंकि मैं देखता हूँ कि खिलाफत राशिदा में भी जो हलफ है हुक्मरान का मस्जिद नबी में हो रहा है और सवाल जवाब, अवाम की बातें सुनना, अपने आप को मुआवजे के लिए पेश करना, यही उमवी दौर में, यही अब्बासी दौर में है। तो आप क्या महसूस करते हैं कि अब हमारे मुआशरे के अंदर मस्जिद के इस रोल के एतबार से कौन से काबिल तवज्जो पहलू हैं, क्या इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, इसको बेशक हम रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अफराद साजी की जरूरत है जी। जो खलीफा राशिद, खिलाफत राशिदा वाले जो लोग थे, खुलफा हज़रात थे, बराह रास्त उनका ताल्लुक आपसे सल्लम से था और ये वो लोग थे जिन्होंने अपने पूरे घर का माल या अपने आधे घर का माल या तारीख की सबसे मुश्किल जंग मुसलमानों की ग़ज़वे तबूक जिसको कहा जाता है और इंतहाई शदीद मौसम में ये जंग इसका इनेकाद हुआ था, उस जंग में जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अफराद साजी थी और उसके बाद खिलाफत राशिदा, फिर उसके बाद उम्मीद दौर, फिर अब्बासी दौर। तो डॉक्टर साहब चूंकि ये इंसान है और इंसान नबी होने के अलावा मासूम नहीं है जी, बिल्कुल, तो यकीनन ये उससे खताएं हो जाती हैं। लेकिन मैं ये बात भी बताता चलूं कि उम्मीद दौर के लोगों ने भी और अब्बासी खुलफा ने भी और बाद में आने वाले खुलफा ने भी, बेशक वो अगर उनके बारे में कहा जाता है कि वो जालिम है, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने मस्जिद का इदारा, बाज ने तो अपने महल के सामने तामीर करवाया जी, और बाज खतीब थे, बाज नहीं बल्कि अक्सर लोग खतीब थे और उलमा और मशाइख और आइम्मा के साथ उनका बराह रास्त ताल्लुक था। तो ये जो ताल्लुक है आइम्मा का, खुतबा का जी, और खासकर फिर ये जो ट्रेट्स, ये जो सिफात लोगों के अंदर पैदा हो जाती हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस अफराद साजी में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। नहीं, यही तो सवाल पैदा हो रहा है ना जी कि ऐसा था जी। ठीक है, अब अफराद साजी की जरूरत, एक तो आपने ये हल बताया, ठीक है जी, तो कैसे इसको किया जाए? क्या हमारे मस्जिदों में ऐसे अफराद पैदा करने का इम्कान अभी आप महसूस करते हैं? जी बिल्कुल जी, जी। ये इम्कान मौजूद है जी। उसकी सबसे जो बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि इसका फुकदान जो है वो इस वजह से है कि हमारे मुआशरे में खासकर नौआबादियाती निज़ाम के बाद भी हर शख्स को इस बात तक महदूद कर दिया गया है कि वो बस अपनी रोटी कमाएगा, कुछ रकम कमाएगा और उसका गुजारा चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आज की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज और जितने बड़े बड़े नाम हैं, ये तमाम वो प्रोफेसर्स हैं जिनका खर्च सरकारी स्तर पर उठाया जाता है। डॉक्टर साहब, उनको किसी जगह इन्वेस्ट करने की, किसी जगह जॉब करने की जरूरत नहीं होती। जी, जी। और खासकर मैं मुस्तशरिकीन के बारे में बताता चलूं कि ये फंडेड हुकूमत की तरफ से फंडेड लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ तहकीक और दरसो तदरीस होता है, जबकि हमारे यहाँ हर शख्स को इस बात की परेशानी है कि अगर उसने सुबह का खा लिया है तो रात का वो कहाँ से खाएगा। तो ये जो मुआशी फुकदान और मुआशी कमी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हल है। आपको भी ये बात मालूम होगी और अगर हमारे नाज़रीन को मालूम नहीं है तो उनको भी बताता चलूँ कि इमाम अबू यूसुफ, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उनके वालदैन ने उनको मना कर दिया था कि तुमने पढ़ना नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा ने उनके वालदैन से मुलाकात की और उनको इस बात की तसल्ली दी और इस बात की उनको जुबान दी कि आपका जो खर्च है महाना वो मैं आपको अदा करूंगा और ये जो अबू यूसुफ है इसका भी मैं खर्च उठाऊंगा, इसको भी स्कॉलरशिप दूंगा। तो आप देखें कि आज 1400 साल बाद भी, 1300 साल बाद भी वही इमाम अबू हनीफा और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो हम उनका नाम यहाँ बैठ कर ले रहे हैं। तो ये जो एक परेशानी है, मुआशी परेशानी, मेरा ख्याल है बहुत ही डॉक्टर साहब इन्होंने पिन पॉइंटेड ये बताया है कि हमारी मसाजिद मईशत ग्रेज रोजानात की हौसला अफजाई ना करें और तरगीब दें कि मुसलमानों को जहाँ अस्करी इल्मी कुवत बनना है, मुआशरती सतह पर स्ट्रांग होना, मुआशी तौर पर भी होना चाहिए। बड़ी वैलिड मिसाल हमारे सामने आई है। तो अब ये जो हमारी इस वक्त की मस्जिद है, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हालात में काबिले कदर किरदार अदा कर रही है, ठीक है, लेकिन जो हमारे आदाफ हैं, जितनी शानदार हमारी तारीख है, इसके एतबार से अभी वो जो इकबाल ने कहा है ना कि वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। तो मेरा यह ख्याल है कि एक तो अफराद साजी वाली बात है, दूसरी अफराद साजी वसाइल के बगैर नहीं हो सकती, और वसाइल या तो स्टेट मुहैया करे या मुआशरती सतह पर हो। और उससे पहले आपने जो मस्जिद की लीडरशिप पर बात की है, तो इस वक्त हमारा जो निज़ाम है उसमें रियासत को आपने तायद की है कि रियासत इसकी सरपरस्ती करे जी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो डॉक्टर साहब नहीं निलमुनकर है कि मस्जिद के खतीब आइमा इकराम उलमा इकराम इन्हीं से तवक्को है कि अगर कोई हदूदुल्लाह के खिलाफ चीज हो रही है तो उस पर भी वही आवाज उठाएंगे, तो इसमें अदल और तवाजन का रवैया क्या होगा? अगर स्टेट इन्वॉल्व होते, स्टेट पैसे देती है, फिर वो तस्दीक भी गलत करवाती है बाज़ का, तारीख में ऐसी मिसालें भी हैं, इस वजह से भी हमारे अकाबर या उलमा मुताद होते हैं, तो इसमें मोतदिल रवैया क्या हो सकता है? तारीख के अंदर ये तो मौजूद रहा कि स्टेट की सरपरस्ती होती थी, और ऐसा भी रहा कि कुछ उलमा जो थे वो, जिसे उलमा सू कहा जाता है, और वो रियासती उमूर की यानी पुश्त पनाही करते थे, अगरचे गलत होते थे लेकिन उलमा हक भी होते थे। और ये तो आज भी ऐसा ही सूरत हाल है, आज भी ये होगा कि कुछ उलमा जो हैं वो गलत चीज़ की तायद कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उलमा हक जो है वो सही बात की तायद करेंगे, उसी को तरवीज और उसी की इशाद करेंगे। ये तो बात चलती रहेगी, पहले भी मौजूद कश्मकश रहेगी, और इसी को हम यानी एक तो ये बड़े पैमाने पे हम कह सकते हैं कि इनहराफ होता है, लेकिन छोटे पैमाने पे हम इख्तलाफ। डॉक्टर साहब देखिए ना, सॉरी कतकलाम माफ, क्या आप इसकी गुंजाइश पाते हैं कि हम सिर्फ उलमा की अफराद साजी और मस्जिद के
रोल तक अपनी बात को महदूद न रखें। जो हाकिम हैं और रियासत को चलाने वाले हैं वो भी अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हों, वो गलत तवक्कुआत ही ना बांधें और उलमा की राह में रुकावटें ही खड़ी ना करें बल्कि वो साजगार हों। इसका कितना इम्कान है? तारीख का मुताला बताता है कि दोनों तरह सूरतें पहले भी थी, यानी पहले भी ऐसे हुक्मरान आए कि जिन्होंने उलमा की तायद की, और ऐसे हुक्मरान भी आए जिन्होंने उलमा को कैदोबंद की सोबतें भी बिल्कुल झेलनी पड़ी। तो ये पहले भी सूरत नहीं, लेकिन हमारा हदफ ये तो आप इजाजत देते हैं ना, हमारा हदफ होना चाहिए कि अच्छे हुक्मरान आए, नहीं जो मसाजिद वालों की पुश्त पे खड़े हों। यकीन अच्छे अच्छे हुक्मरान आए, इजहार एक ख्वाहिश भी होती है और ये बंदे की आरजू भी होती है अच्छे हुक्मरान आए, और इसके लिए भी मसाजिद जो है या आइम्मा जो है बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात है, लेकिन उस पे सिर्फ मेरी एक सबमिशन ये है कि अगर मस्जिद के इमाम का खुद एक पार्टी से ताल्लुक होगा उसमें नज़ाकत, खुद वो एक एक यानी एक वो एक मुकाबले में आ जाएगा तो वो हरीफाना तो वो फिर मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ मुस्लिह के तौर पर सामने आएगा, हाँ मुस्लिह हो, शऊर दे, शऊर देने वाला, और इस बात की अहमियत के ये इशारते हक है। जी जी, आप चुनाव ठीक करें, आप अच्छे कामों में तायद करें, तो ये रहनुमाई का रोल अदा, अगर रहनुमाई का रोल अदा करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद मैदान में आएंगे और ये कहेंगे कि नहीं हमारे बगैर मुश्किल है, तो फिर एक मसला होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी नाज़रीन, ये जो है आज बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह जामे गुफ्तगू हुई और हमारे सामने अल्लाह ताला के घर मसाजिद उसका किरदार बड़ा वजाहत के साथ हमारे मेहमानों ने या नाज़रीन के सामने पेश किया। मैं डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा साहब और अब्दुर्रहमान सालिस साहब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तवक्को करता हूँ के स्पेशल टीवी की इस ट्रांसमिशन के जरिए एक अहम मौजू पर नाज़रीन को बेहतरीन रहनुमाई मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।